मैंने कहा कि मैं लोगों को बहुत जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अपने लोग हैं जो जाग ही नहीं रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, अब जितना टाइम मिलता लोगों को तो उतना तो प्रयास करते हैं लोग बाग, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रयास की जरूरत ही नहीं है। यदि हम केवल अपनी शपथ पूरी कर लें तो 9 दिन में चमत्कार हो सकता है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स बनाकर इसको जमीन पे उतार सकते हैं। और देखो यदि हम इस काम को करने में कहीं पे भी असफल रहते हैं तो क्या 2029 तक हम अपने परिवार के 66% लोगों को कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित देखना चाहते हैं क्या? सही बात नहीं ये। अच्छा एक तो हो गया है ये नेगेटिव बात, और पॉजिटिव बात है कि आपकी मिट्टी फिर से सौंधी हो जाएगी, रासायनिक विष से जो है ना मुक्ति मिल जाएगी, मिट्टी आपकी फिर से उर्वरक हो जाएगी, आपको रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक पे जो है ना आश्रिता नहीं रहेगी, आप जीवामृत घन अमृत अमृत मिट्टी और जो कैंचियों की खाद और जो आजकल एक बहुत अच्छे माइक्रोब्स हो गए हैं, मुझे नहीं मालूम है आपको जानकारी है कि नहीं है, इन माइक्रोब्स में इतनी ताकत है कि ये जलवायु से तत्व अवशोषित करके उसे जमीन की उर्वरक क्षमता को सीधे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब काम क्यों नहीं हो रहे हैं? ये देश जो है ना कितना ज्यादा पैसा जो है ना हमारे टैक्स का हमको ही जहर बनाने में जो है ना खर्च कर रहा है। एक ये जो कीटनाशक दवाएं और जो फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडी दी जा रही है, क्या हमारे पैसे ही से हमको जहर हमारे खाद्यान्न को जहर एक तो नहीं कर रहे हैं क्या ये? हम जाग क्यों नहीं रहे हैं? यदि 2029 तक इस देश में टैक्स मुक्त भारत हो सकता है, जिसको मैं रोज अपनी फीड में बता रहा हूं, तो हम जाग क्यों नहीं रहे हैं? यदि किसानों की आमदनी 5 गुना हो सकती है, वो भी बिना किसी दिक्कत के, उसे अपने खेत पर जो है ना मजदूर ले जाने की वो नहीं करना पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, और फिर भी जो है ना उसकी आमदनी 5 गुना हो जाएगी, तो हम क्यों सो रहे हैं? यदि आज जिस गरीब परिवार को 2 जून खाने का जो है ना पूरा वो नहीं है, उस व्यक्ति को जो है आप ये बताइए कि उसकी आमदनी जो है 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति परिवार, 2025 में उसका अपना जो है ना डिजाइनर हाउस बनना चालू हो जाएगा, जिसे उसके लिए 5 पैसे खर्च नहीं करना है, और वो आसान किस्तों में तब कटेगा जब आपकी हम क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह कर देंगे। तो और क्या चाहिए बताइए ना। मतलब यदि हम अपने परिवार के प्रति इतना बड़ा जो है ना संकट आने वाला है, तो क्या हम अपने इतने दुष्ट हैं कि अपने परिवार वालों को संकट को झेलते हुए देखना चाहते हैं? सही बात है। अच्छा हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप जिसके भी अंधभक्त है बने रहिए, जिसको तेल लगाना है तेल लगाइए, भाजपा के रहिए कांग्रेस के रहिए, साथ में क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाइए, आपको 5 पैसे लग रहे हैं क्या? सही बात है। तो अरविंद जी मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें जरा शक्ति लगाई जाए और हर दिन संगोष्ठी की जाए और उस संगोष्ठी को रिकॉर्ड करके भेजिए। और मैं आपसे ये अनुरोध भी करूंगा, आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? हाँ किया है। किया है तो उसके जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उसे डाउनलोड कर लीजिए और साथ में बैठ के जो है संगोष्ठी में पहले उस वीडियो को सुनिए और इसके बाद फिर उस पर चर्चा करिए और फिर सामने वाले से पूछिए कि भैया डरे सहमे हो तो सदस्य की शपथ ले लीजिए और निडर और निर्भीक हो तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लीजिए। और चंद्रगुप्त से भी अनुरोध है कि उसे फुल टाइम कुछ नहीं करना है, वो जो भी काम कर रहा है उसी को करते रहे और जब जो है आते जाते एक संगोष्ठी ले लिया जाए और एक आते वक्त संगोष्ठी ले लिया जाए, कहीं किसी काम से जा रहे हैं तो वहीं पर देखें कि किस लोगों से बहुत समय से नहीं मिले हैं उनको पहले से फोन कर दिया जाए कि भैया आप रास्ते में आपके यहाँ चाय पियेंगे। आप बताइए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा नहीं नहीं मैं आपको चाय नहीं पिलाऊंगा? नहीं सही बात है। तो इतना सब कुछ संभव है और कुछ 5 पैसे नहीं जा रहे हैं और 9 दिन में इतने चमत्कारिक रिजल्ट होंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात सुनने के लिए बेबस हो जाएंगे, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल सही है। आप बताइए क्या नरेंद्र मोदी जी यदि हम जो हम बता रहे हैं इतनी आसान प्रक्रिया के तहत यदि हम 10वें दिन जो है ना 100 करोड़ से ज्यादा होंगे
और छत पर चलकर थाली बजाकर दीपक जलाकर यदि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी उसे मानने के लिए विवश होंगे कि नहीं होंगे? और वो जनहित में है तो उन्हें मानना ही चाहिए, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? नहीं मानेंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी जो है ना संगोष्ठियां जल्दी चालू करिए, और जो अपना ऐप है उसको ऐप को डाउनलोड करके जो लिंक है पहली लिंक उसमें जो है वो, हाँ ठीक है, तो उससे जो है ना लोगों को जो है ना जोड़ना चालू करिए। क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो रोज देखना चालू करिए, और जो डरे सहमे हैं वो सदस्य की भूमिका में जुड़ जाएं, जो निडर निर्भीक हैं वो जो है उसके भूमिका में जुड़ जाएं, तो सबका भला हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही है, है ना? तो मैं क्या ये मानूं कि अब आपकी एनर्जी इसमें जाएगी? नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो यदि आपको कहीं पे डाउट हो तो आप मुझसे प्रश्न पूछिए। नहीं 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 हम इसको बिल्कुल अभी स्टार्ट और जोरों से करते करते तो हैं ही, बताते तो हैं ही लोगों को, लेकिन अब और तरीके से उनको वीडियो वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मेरा अनुरोध बड़ा सिंपल है कि आपको जो वीडियो अच्छा लग रहा है, जहां आप लग रहा है कि सामने वाला अच्छा था, उसे समझाने में हमने बड़ा बैलेंस आउटपुट बना है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक ठीक ठीक, और उसे साथ में बैठ के सुनिए, फिर चर्चा करिए, और फिर ये प्रश्न पूछ के जोड़िए लोगों को, और फॉलो अप फोन लगा के ये कि भाई साहब आपने शपथ ले ली थी, आज आपने किसी को भी नहीं जोड़ा, और उसको टेलीग्राम ऐप में भी साथ में जोड़ते जाइए, तो ये भी समझ में आता जाएगा कि जो जुड़ेगा वो जो है ना उसी टेलीग्राम ऐप में लोगों को जोड़ता जा सकता है, है कि नहीं? तो चलिए अरविंद जी, जो है ना इसके पहले कि बहुत लेट हो जाए, हमें पूरी शक्ति से भिड़ना चाहिए। ठीक ठीक, है ना? चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।